मौसम के बदलने से इन दिनों सर्दी, खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलने जैसी रोगियों से की भरमार है। रोजाना अस्पताल में ऐसे रोगी देखने को मिल रहे हैं। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में तैनात टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर जी नौटियाल का कहना है कि सामान्य से ज़्यादा ओपीडी चल रही है। करीब 150 मरीज प्रतिदिन सांस की बीमारी के पहुंच रहे हैं। अधिकतर धूम्रपान के मरीज हैं और उनमें अस्थमा के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। विशेषकर बच्चों को इस तरह की शिकायतें होने पर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बेहतर है कि डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताएं। डॉक्टर जरूरत होने पर कुछ जांच भी करवा सकते हैं और तकलीफ बढ़ने पर इंजेक्शन से दवा देने की नौबत आती है। इस मौसम में धूल धुए और ठंड से बचे। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। वही डॉक्टर ने बताया कि जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं वे अस्पताल में चल रहे स्पेशल सेशन में प्रतिभाग कर आसानी से इसे छोड़ सकते हैं। उनको तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपके इस समय ठंड की वजह से जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं या जो कपी के चूल्हे पे या कंडे पे खाना बनाते हैं, लोगों को दिक्कत होती है सांस की इस मौसम में। तो यह है कि जैसे हम बार बार यही कहते हैं कि भाई आप स्मोकिंग कम करिए और जो ये आपके लकड़ी का चूल्हा है इसको रिप्लेस करिए आप गैस से। तो अगर किसी के घर में गैस की व्यवस्थाएँ हैं तो वो आजकल कम से कम गैस में बना लें खाना। और जो स्मोकर हैं वो धीरे धीरे अपना स्मोकिंग कम करें, और अगर उनको दिक्कत हो रही है तो यहाँ आएँ, हम उनके लिए स्पेशल स्मोकिंग सेशन के जो प्रोग्राम होते हैं वो कराते हैं जिससे कि उनकी धूम्रपान को छुड़वाया जा सके। इसमें इस समय लगभग जैसे हम यूजुअली 100 के आसपास मरीज आते हैं, आजकल मरीज 140-150 के बीच में आ रहे हैं, तो लगभग